नमस्कार दोस्तों, मैं हरमित सूरी, जेट सर इमिग्रेशन से। दोस्तों आज की ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत स्टूडेंट्स ने मई इनटेक के लिए एडमिशन ली थी और कोविड-19 के चलते वो यहाँ पर नहीं आ पाए क्योंकि फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं। और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आ भी गए हैं वो कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। दोस्तों द गुड न्यूज़ इज कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जिन्होंने मई में एडमिशन ली थी वो अब ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। और कुछ कॉलेजेस ने ये डिसाइड किया है कि जिन लोगों ने इंडिया बैठे या किसी भी बाहरी देश में बैठे एडमिशन ली थी वो अब ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। 50% ऑफ द कोर्स वो ऑनलाइन कर सकते हैं और बाकी का जो है जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तब वो यहाँ पर आकर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि वहाँ पर एडमिशन लेकर यहाँ पर नहीं आ पाए हैं और जो सितंबर में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से आप सितंबर में इनटेक आपको नहीं लेनी चाहिए तो डोंट डू दैट। आप बिल्कुल सितंबर में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई वहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर भी आपको वर्क परमिट फिर भी आपको मिलेगा। यूजुअली ये होता है कि आपको यहाँ पर रहकर पढ़ाई करने से ही वर्क परमिट मिलता है, लेकिन गिवन दिस सिचुएशन आपको वर्क परमिट बकायदा मिलेगा। 50% तक आप वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एडमिशन के लिए हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर। एंड अ लॉट ऑफ कॉलेजेस आर एक्सेप्टिंग एडमिशंस इससे पहले कि वहाँ का सितंबर का इंटेक जो है एकदम फ्लडेड हो जाए, भर जाए। आप प्लीज़ जल्दी से हमें कॉन्टैक्ट कीजिए सो दैट वी कैन हेल्प यू विथ एडमिशन। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।